गाइस, माय नेम इज विनी, विनीज वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हैं, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कितने प्रकार की कटिंग होती है और इसे लगाने में किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी कटिंग अच्छे से लग जाए। अब आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने ये स्टेम की एक तरफ की लीफ हटा दी है, जिससे कि आपको जो स्टेम है उसकी मोटाई भी पता चले और उसका कलर भी पता चले। तो जो आपका ये ग्रोथ वाला एरिया है, ये लाइट ग्रीन कलर का है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और बहुत सॉफ्ट है। जैसे आप मोड़ेंगे वैसे ये मुड़ जाएगा। तो ये आपका कौन सी रहेगी कटिंग? आपकी सॉफ्ट वुड, यानी कि आप यहां से काटें और इसको लगा दें तो ये आपकी कटिंग कौन सी हो गई? सॉफ्ट वुड कटिंग। अब इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये कटिंग, ये भी बैंड हो जा रही है, जैसे आप मोड़ना चाहे मुड़ जाएगी, लेकिन इसकी अपेक्षा कम मुड़ेगी, देखिए। और इसका कलर भी इसकी अपेक्षा डार्क है, यानी कि इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है। तो ये कलर, ये आपकी कटिंग कौन सी हो जाएगी? अगर आपको इसको काट के लगाएंगे, ये हो जाएगी आपकी सेमी हार्ड कटिंग। तो ये दो तरह की आपकी कटिंग है जो आप लगा सकते हैं। तीसरी टाइप की कटिंग होती है वो कटिंग जो इसकी अपेक्षा थोड़ी मोटी होती है और इसको बैंड नहीं किया जा सकता, ये कटिंग होती है हार्डवुड कटिंग। तो ये तीन टाइप से आप कटिंग को लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया तीन टाइप की मीडियम आप ले लीजिए, या फिर कोकोपीट मिल जाता है तो कोकोपीट में आप कटिंग लगा लीजिए, कोकोपीट नहीं मिलता है तो रेती में, यानी कि नदी का रेता होता है उसमें आप कटिंग लगा लीजिए, और वो भी नहीं मिलता है तो कोशिश ये कीजिए कि जो भी बगीचे से आप मिट्टी ले रहे हैं उस मिट्टी में किसी भी प्रकार की खाद ना हो, क्योंकि खाद की वजह से जो कटिंग होती है वो सड़ जाती है, उसमें फंगस लग जाएगी, तो आपकी कटिंग नहीं होगी। तो आप कहेंगे कि कटिंग हमने लगाई थी और हमने हार्ड कटिंग ली थी, हमने सॉफ्ट कटिंग ली थी, तभी आप हमारी कटिंग नहीं हो पाई। तो ये चीज का आपको थोड़ा ध्यान देना है। जब भी आप सॉफ्ट कटिंग लेंगे तो उसके लिए जब भी कटिंग आप लगाएं तो मीडियम हमेशा कोकोपीट लें, तो आपकी कटिंग 101% हो जाएगी। दूसरी चीज, जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो सारे लीफ, यानी कि ऊपर की एक या दो लीफ छोड़ के सारे लीफ हटा दें, तभी कटिंग लगाएं, क्योंकि जब ये लीफ जो होती है वो मिट्टी से टच करती है या कोकोपीट से टच करती है तो इसमें फंगस लगने का खतरा बना रहता है और आपकी कटिंग खराब हो जाती है। अब तीसरी चीज आती है, जब आप सॉइल आपकी तैयार कर लें, कटिंग ले लें, फिर आता है आपकी सूरज की रोशनी, यानी कि सनलाइट। सनलाइट कभी भी लोग कह देते हैं कि कटिंग को लगा के छांव में रख दीजिए, छांव में रखने के लिए कभी कोई नहीं कहता है, हमेशा सब ये कहते हैं कि धूप जो है वो डायरेक्ट ना आए, इनडायरेक्ट आपके प्लांट पर जरूर आए, क्योंकि बिना भोजन बनाए, बिना सूरज की रोशनी के खाना पौधा नहीं बना सकता। जब वो अपना फूड नहीं बना पाएगा तो आपकी जो कटिंग है वो भी ग्रोथ नहीं करेगी। जब भी आप किसी प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो उसकी सॉफ्ट वुड कटिंग लगाते हैं तो कम से कम 2 से 3 इंच लंबी होनी ही चाहिए, और हार्डवुड कटिंग लगाते हैं तो 6 से 8 इंच मिनिमम मान के चलिए। इसके अलावा पानी का हमेशा ध्यान रखें, ज़्यादा पानी होने से आपकी कटिंग खराब हो सकती है। इसके अलावा नमी बनी रहे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, वरना उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि खाद नहीं डालनी है, खाद डालने से उस जो मिट्टी है उसमें प्लांट में फंगस लग जाएगी और आपकी जो कटिंग है वो सड़ जाएगी। बहुत ज़्यादा ठंड में और बहुत ज़्यादा गर्मी में कटिंग लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ आपकी होती नहीं है। और अगर आपको 101% रिजल्ट चाहिए तो मानसून यानी रेन सीजन में आपको कटिंग लगानी चाहिए। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब भी किसी कटिंग को करते हैं उसमें जो भी टूल यूज़ करें, चाहे आप ब्लेड लीजिए चाहे कटर लीजिए, उसका शार्प होना बहुत ज़रूरी है, और जब भी यूज़ करें उसके बाद पोंछ के रखें उसको, ताकि उसमें कोई जंक ना लगे। जंक को साफ़ करके ही हमेशा टूल का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, जब भी कटिंग करके लाएँ उसको पानी में डाल दीजिए, जिससे कि कटिंग आपकी ख़राब नहीं होगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।